हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द 247। आज का जो हमारा मॉर्निंग क्लास है उसमें हम फिर से कुछ करंट अफेयर जो क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं। ये सारे जो करंट अफेयर क्वेश्चन है ये आपके जो कल इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया था, अभी आपका क्लास नहीं हो पाया था संडे को, जो मैंने क्लास नहीं लिया था वो आपका कुछ लर्निंग क्लास लिया था, और आपका मंडे का भी क्लास मिस हो गया। ठीक है, तो वहाँ से जितने भी आपके न्यूज़ रह गए थे वो सारे न्यूज़ पर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आज के क्लास में आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, और लास्ट में आपको मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा सारे क्वेश्चन में से। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष रॉकेट कैरिंग द सेगनस कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाई विच स्पेस एजेंसी। तो आपको बताना है ये जो रॉकेट है इस ये क्या कैरी कर रहा है, ये सेगनस कार्गो स्पेस क्राफ्ट जो है उसको कैरी कर रहा है। आपको बताना है इसको लॉन्च कौन सी स्पेस एजेंसी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी नासा। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, इसरो आ गया, नासा आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उसके जो स्टैटिक फैक्ट हैं वो यहाँ पर कमेंट करके साथ में बताना है। नासा जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर का जो नाम है वो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, जिम ब्रेडस्टीन। देखो वो मैंने आपको एक बताया था, ब्रिस्टीन जो है वो क्या बन गए हैं, थर्टींथ एडमिनिस्ट्रेटर है किसके, नासा के। मैंने आपको चार्ल्स बोल्डन बताया था, चार्ल्स बोल्डन जो है वो उनकी जगह अभी रिप्लेस कर दिया गया है किसको, जिम ब्रेडस्टीन को। ठीक है, तो आपको जो अभी नाम याद रखना है वो इनका नाम यहाँ पर याद रख लेना है। इसरो जो है हमारा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ओके, और अगर आपसे उसके चेयरमैन पूछे जाएंगे या हेड पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, के शिवन। ओके, सो ये सारी चीजें जो आपको यहां पर याद रख लेनी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजामिन नेतन्याहू अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर उनको किसको अपॉइंट किया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू को अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है हु इज प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ इसराइल। यहाँ पर आपको कमेंट करके मुझे बताना है इसराइल जो है उसकी कैपिटल क्या है, इसराइल की करेंसी क्या है, एज वेल एज आपको मुझे बताना है कि प्रेजिडेंट कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी रुविन रिवलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपको याद रख लेना है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है यहाँ पर इसराइल जो है उसकी कैपिटल और करेंसी क्या है। आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको दो चीज़ें याद रख लेनी है, एक तो आपको इसराइल याद रख लेना है उसका कैपिटल क्या है, जेरूसलेम है, और करेंसी क्या है, न्यू शेकेल है। ओके, सो दोनों ही चीज़ें जो आपको याद रख लेनी है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू है, और प्रेसिडेंट कौन है, रुविन रिवलिन है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ओ ऑफ डिशेज बैंक। डिशेज बैंक जो है उसके एम डी एंड सी ओ इंडिया के लिए। ठीक है, सो ये आपको पता हो अगर ये जो बैंक है ये कहाँ का बैंक है, जर्मनी बेस्ड बैंक है, इंडियन बैंक नहीं है, ये इंटरनेशनल बैंक है, जर्मनी का बैंक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिशेज बैंक जो है उसके इंडियन के इंडिया के लिए जो हेड बनाए गए हैं वो कौन है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कौशिक सफारिया। ठीक है, तो कौशिक सफारिया जो है उनको बना दिया गया एम डी एंड सी ओ डिशेज बैंक का। अब यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि डिशेज जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, और उसके चेयरमैन का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो डिशेज बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है, ये जर्मनी में ही है। यहाँ पर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे इंडिया के लिए हेड क्या है, कौशिक बन गए हैं। उसके बाद अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, पोल। ये थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद रख लेना, पोल से याद रख सकते हैं, पी ए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रख लेना है, ये चेयरमैन है किसके, डिशेज बैंक के। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बजरंग पूनिया गेन टॉप स्पोर्ट इन वर्ल्ड रेसलिंग। वर्ल्ड रेसलिंग में अगर आपसे पूछा जाए टॉप स्पोर्ट पर कौन है तो आप बता देंगे बजरंग पूनिया जो है वो टॉप स्पोर्ट पे हैं। आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि बजरंग पूनिया जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप रेसलिंग बता देंगे। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी हरियाणा। ओके, तो हरियाणा जो है वहाँ से है, बजरंग पूनिया किस चीज़ से रिलेटेड है, रेसलिंग से रिलेटेड है। अब आपको कुछ चीज़ें याद रख लेनी है, हमारा जब बजट आया था तो उसमें क्या बोला गया था, जो हमारा 22nd एम्स जो है
वो कहाँ पर बनेगा? हरियाणा में बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पर गवर्नर कौन है हरियाणा के, हरियाणा के जो भी आपको नेशनल पार्क पता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है, वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है कि हरियाणा में वो कहाँ पर बन रहा है, हरियाणा में कहाँ पर बन रहा है जो 2200 हमारा एम्स है, वो बन रहा है रेवाड़ी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रख लेना कि हरियाणा के रेवाड़ी में बन रहा है हमारा ये एम्स, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम नासा फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनोट हु पास्ड अवे रिसेंटली। नासा की जो पहली एस्ट्रोनोट थी उनकी डेथ हो चुकी है, और आपको बताना है कि इनमें से उनका नाम क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन में से। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्रिस्टीना, क्रिस्टीना जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों न्यूज़ में चल रही हैं। वो पहली फीमेल बनेंगी जो लॉन्गेस्ट रहने वाली हैं कहाँ पर, स्पेस में। ओके, सो लॉन्गेस्ट जो पीरियड है उसके लिए कौन रहने वाली हैं, उनका जो अभी टारगेट है वो 2020 तक का है, और वो अभी स्पेस में जाने वाले हैं। तो क्रिस्टीना कोच जो है उनका नाम आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जेरी कोब। ओके, सो जेरी कोब क्या है, नासा की पहली एस्ट्रोनोट थी, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो दिखा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। आपको अगेन, आपको जो भी नासा से रिलेटेड सैक्टिव फैक्ट्स पता है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। जिम ब्रेडस्टेन जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका वो एक बैंक से रिलेटेड, एक्जिम बैंक प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू रवांडा फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर बात हो गई है, किसकी बात हुई है, हमारे एक्जिम बैंक की बात हुई है, साथ में किसी कंट्री की बात हो गई, कौन सी कंट्री है, रवांडा की। एक्जिम बैंक जो है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है वो रवांडा को कुछ अमाउंट प्रोवाइड करने वाला है, लोन प्रोवाइड करने वाला है। आपको अमाउंट यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 267 मिलियन डॉलर। ओके, सो 267 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये एक्जिम बैंक है, ये जो आपको लिख रखे हैं यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्जिम बैंक की यहाँ पर बात हो रखी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्जिम बैंक जो है उसके सर्टिफिकेट आपको बताने, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर एक्जिम बैंक का, और अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एक्जिम बैंक के नए चेयरमैन, उनका नाम भी आपको यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताना है। और आपको बताना है कि रवांडा जो है उसकी क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है। अगर रवांडा की बात करें, कैपिटल क्या है, किगाली है। ओके, और करेंसी क्या है, यहाँ पर हमारी फ्रेंक है। ये इसका जो चेयरमैन का नाम है वो, ठीक है, तो ये जो है ये क्या बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हमारे एक्जिम बैंक के। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉटलैंड स्कॉन्ड्री लैंग्स पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू वो विच स्पोर्ट, ठीक है। तो वो ये जो है इनकी डेथ हो चुकी है, आपको बताना है स्कॉटलैंड से तो थे लेकिन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे, ठीक है। आपको इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना है कि स्कॉटलैंड जो है उसकी कैपिटल और करेंसी क्या है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिकेट। वो स्कॉटलैंड के लिए खेला करते थे, ठीक है, वो क्रिकेट से रिलेटेड थे, और ही वॉज एन ऑल राउंडर, ठीक है, वो ऑल राउंडर थे स्कॉटलैंड से, लेकिन अभी उनके ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे स्कॉटलैंड जो है उसकी कैपिटल करेंसी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो एडिनबर्ग जो है, एडिनबर्ग जो है वो क्या है, इसकी कैपिटल है और करेंसी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो पाउंड स्टर्लिंग जो यहाँ पर क्या है वो करेंसी है। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस शक्ति विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फ्लिट रिव्यू। देखो इंटरनेशनल फ्लिट रिव्यू जो है वो कहाँ पर होने वाला है, चाइना में होने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना कि चाइना के कौन सी सिटी में होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सो वे विल इट टेक प्लेस। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी चिंगदाओ। ओके, सो एट्थ का जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, चिंगदाओ में ये होने वाला है क्या, इंटरनेशनल फ्लिट रिव्यू। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ से कौन कौन सी शिप्स गई हैं यहाँ से, तो आप बता देंगे आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति जो है वो वहाँ पर गई हैं। ओके, सो चिंगदाओ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड यूके रॉयल सोसाइटी ऑनर, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से यूके रॉयल सोसाइटी ऑनर जो है वो किसको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी यूसुफ हमीद। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अमृता सेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडीज़, ठीक है। तो इनइक्वालिटी स्टडीज़ को लेकर अमृता सेन का चेयर होने वाला है, वो कहाँ पर होने वाला है, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। देखो अमृता सेन जो है वो काफ़ी फेमस ऑथर हैं,
और उनकी काफ़ी जो बुक्स हैं वो फेमस हैं, तो उनकी कौन कौन सी बुक फेमस है आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। जो पहले उनकी बुक फेमस है वो क्या है? द आइडिया ऑफ जस्टिस है। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर भी बताइए। ये जो बुक है वो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। अगेन ये जो चेयर हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो अमृता सेन से जो आपको बुक्स का नाम याद रख लेना है वो क्या है? द आइडिया ऑफ जस्टिस है। ठीक है, एक और है जो आपको याद रख लेना है, आइडेंटिटी एंड वियोलेंस। ओके, ये जो दोनों बुक्स हैं वो किसकी है? अमृता सेन की है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट गंग वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली। ठीक है, माउंट गंग जो वोल्केनो है वो अभी क्या हो चुका है? इरप्ट हो चुका है। तो यू हैव टू टेल मी हियर इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सो माउंट गंग जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर हियर इज़ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में क्या है? माउंट गंग है। इसके अलावा दो और माउंट है यहाँ पर, दो और वोल्केनो हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? एक तो आपको क्या पता चल गया, माउंट गंग है। दूसरा क्या है हमारा? माउंट ब्रह्मो है। ठीक है, माउंट गंग हो गया, माउंट ब्रह्मो हो गया, माउंट मेरापी हो गया। ये तीनों कहाँ पर है? हमारे इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया जो है उसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है। और करेंसी क्या है यहाँ पर? रुफिया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रख लेनी। जब भी किसी कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है तो उसकी जो कैपिटल करेंसी है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। रोमेनिया की कैपिटल करेंसी आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, और आपको पुर्तगाल की कैपिटल करेंसी भी कमेंट करके बतानी है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो किससे रिलेटेड है? डे से रिलेटेड है। अभी हमारा सिविल सर्विसेज डे जो है आपको बताना है कब मनाया जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व एज द सिविल सर्विसेज डे। देखो, सिविल सर्विसेज डे जो है वो कब मनाया जाता है? यहाँ पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको जो याद रख लेना है, 21 अप्रैल याद रख लेना है। ओके, किस तरह मनाते हैं हम कैसे मनाते हैं इसको? सिविल सर्विसेज डे की तरह मनाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी जो हमारे इलेक्शन चल रहे हैं आपको पता होगा, तो उसकी वजह से हम सिविल सर्विसेज डे जो है उसको इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। ओके, अब एक और चीज़ है, यहाँ से एक और डे आ गया आपके सामने, वो है 22 अप्रैल। आपको बताना है 22 अप्रैल जो है वो कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम 22 अप्रैल मनाते हैं वो कैसे मनाते हैं? एज एन अर्थ डे। ठीक है, तो 22 अप्रैल जो है हमारा कैसे मनाया जाता है? अर्थ डे की तरह मनाया जाता है। आपको इसका थीम भी बताना है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। ठीक है, इस बार का जो थीम रहा हमारा अर्थ डे का वो क्या था? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। देखो, कोई भी आपका डे आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जो आपके ऑप्शन में जो डेज होंगे उनको भी कवर करें। ठीक है, तो आपको डे से क्या याद रख लेना, उस डे का आपको पता होना चाहिए क्या मनाया जाता है। उस दिन अर्थ डे है, उसका थीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोलूँगा अभी पूरे अप्रैल में जितने भी डे आए हैं उसमें आपका 18 अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, और 22 अप्रैल आपसे पूछा जा सकता है, जिसका थीम क्या था? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पंडित गोविंद बल्ला पंत अवार्ड फॉर हिज बुक संविधान काव्य। संविधान काव्य जो है वो किसकी बुक है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सुनील कुमार गौतम। ओके, सो सुनील कुमार गौतम जो है यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर है। संविधान काव्य जो है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो नेवी चीफ। देखिए, हमारे जो नेवी चीफ हैं इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए वो कौन है? सुनील लांबा है, लेकिन अभी उनको रिप्लेस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ये जो लॉन्च किया है, ये तो किसने लॉन्च किया है? सुनील लांबा जी ने लॉन्च किया है, लेकिन उनको कौन रिप्लेस करने वाला है? करमबीर सिंह। ये यहाँ पर आपको याद रख लेना है। सो नेवी चीफ लॉन्च न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल। INS इम्फाल जो है वो हमारे नेवी चीफ ने, यानी सुनील लांबा जो है, मिस्टर सुनील लांबा है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। आपको बताना है कि ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ये थोड़ा डीपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्रोजेक्ट 15B।
ओके सो आपको क्या याद रख लेना है, प्रोजेक्ट 15B याद रख लेना है, आपको क्या पता होना चाहिए सुनील लांबा जो है उन्होंने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, लेकिन उनकी जब जगह अभी जो हमारे नेवी चीफ बनने वाले हैं वो कौन बनेंगे, करमबीर सिंह बन जाएंगे। ओके सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे समझ में आ गई हैं। एक चीज़ जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो है 4 दिसंबर वो कैसे मनाया जाता है, हमारा नेवी डे की तरह मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 15 जैन मैंने आपको बताया था, 15 जैन कैसे मनाते हैं हम, एज एन आर्मी डे मनाते हैं ना, ठीक है, तो 15 जैन तो हमारा मनाया जाता है एज एन आर्मी डे, 4 दिसंबर कैसे मनाया जाता है हमारा नेवी डे की तरह मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये लॉन्च कहाँ पर हुआ था INS इम्फाल का, तो आप क्या बता देंगे, मुंबई बता देंगे। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द 15 क्वेश्चन, ये किससे रिलेटेड, आपका रैंक से रिलेटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप्ड ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, व्हाट इज इंडियाज रैंक, सो यू हैव टू टेल मी हियर, टॉप किसने किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप कर लिया है, लेकिन इंडिया का रैंक क्या रहा, सो इंडिया वॉज रैंक 17th इन दिस इंडेक्स। ओके सो ये जो इंडेक्स है इसमें जो इंडिया का रैंक रहा वो 17th रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से देखो आपको पता होना चाहिए जो टॉप 3 कंट्रीज थी, US, UK एंड कैनेडा। ओके फर्स्ट पोजीशन पे US रहा, सेकंड पे क्या रहा UK रहा, थर्ड पे क्या रहा कैनेडा रहा, 17th पोजीशन पे क्या था हमारा इंडिया था। ओके सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी था, हु विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज स्टार्टेड कंट्री वाइड एंटी पोलियो ड्राइव, यानी पूरी जो कंट्री है वहाँ पर एंटी पोलियो वहाँ पर ड्राइव होने वाली है, आपको बतानी है कौन सी कंट्री में होने वाली है, ऑप्शन नंबर ABCD में से, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी पोलियो से काफ़ी जो लोग हैं वो अफेक्टेड हैं, तो वहाँ पर क्या होने वाला है एंटी पोलियो जो ड्राइव है वो वहाँ पर होने वाली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको यहाँ से बताना है ओबिट्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके सो दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम ओबिट्यूरी, यू हैव टू टेल मी अमरपाल हु पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। ओके सो आपको बताना है अमरपाल जो है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है ABCD ऑप्शन में से, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है यानी सिंगर। ओके सो सिंगर है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कौन से लैंग्वेज के सिंगर है यानी क्या है, वो बंगाली सिंगर थे, ठीक है, तो अमरपाल क्या थे यहाँ पर हमारे बंगाली सिंगर थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो है उसमें इनमें से कौन से जो साइंटिस्ट हैं उनको इंडक्ट किया गया है। ओके सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो श्री श्रीनाथ। देखो श्री श्रीनाथ जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वो किससे रिलेटेड हैं आपको पता हो, सिप्ला के बारे में अगर आपने सुना हो वो क्या है, एक मेडिसिन की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, तो उसके चेयरमैन कौन है, यही है श्री श्रीनाथ जो है वो उसके चेयरमैन है, इसीलिए सिप्ला के लिए उनको क्या दिया गया है, ये इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में उनको इंडक्ट कर दिया गया है। ओके सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन। देखो यूक्रेन में अभी इलेक्शन हुए थे, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें वहाँ के कॉमेडियन जो हैं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उन्होंने क्या कर लिया, इन इलेक्शन को जीत लिया है, उनका जो नाम है वो है वोल्डिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं यूक्रेन के नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो आप ऑप्शन नंबर ए जो है उसको मार्क करके आएंगे। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यूक्रेन जो है उसकी कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, करेंसी क्या हो जाएगी हमारी, रिवेनिया हो जाएगी, अगर आपसे कैपिटल पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, क्यू बता देंगे, ठीक है, तो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है, क्यू है, और करेंसी क्या है, रिवेनिया है। मूव करते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आज। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम इंडियाज फर्स्ट रिटेल कंपनी टू क्रॉस 1 लाख करोड़ एनुअल रेवेन्यू। आपको बताना है इंडिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बन गई जिसने 1 लाख करोड़ जो है उसका अमाउंट रेवेन्यू का क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके सो आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन आपको बताना है जो हमने क्वेश्चन किए यानी हमने जो 20 क्वेश्चन किए हैं इनमें से आपका स्कोर क्या रहा है, और कोशिश करिए मैक्सिमम स्कोर करने का। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, लेकिन
जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश करिए, 16 टू 17 तो एटलीस्ट आपके डेली मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपका जो लास्ट डे की जितने भी न्यूज़ थे उनका अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हो गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक को आप डीपली कवर करें, या फिर आप चाहते हैं कि आपका पूरा करंट अफेयर जो है जनवरी मंथ से उसका रिवीजन हो जाए, तो आप जो अल्टरनेट डेज पे मंडे वेंसडे फ्राइडे जो मेरी क्लास आती है स्टैटिक अवेयरनेस की, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उससे हम क्या करने वाले हैं, हम पूरा जनवरी मंथ का रिवीजन करने वाले हैं, साथ में उसके साथ जो भी स्टैटिक फैक्ट्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। ओके, सो ये जो मेरा क्लास होता है ये कितने बजे होता है, 4 बजे होता है, अल्टरनेट डेज पे होता है। ओके, सो इसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।